Hello and welcome to the channel, The Sports Stage, where we just talk about sports. So recently in my series, India vs West Indies, in which India has won ODI and Test Match series West Indies. Now India has won both series very comprehensively, so other than one match, ODI match, which was not good for India, but in this video, we will not talk about that, or else the whole topic will divert. बट इस सीरीज के अंदर हम कुछ कुछ नए चेहरे देखने को मिले, नए चेहरे तो नहीं बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने दोबारा आके अच्छा परफॉर्म करा। फर्स्ट ऑफ ऑल ईशान किशन, जिन्होंने 3 मैच में 3 लगातार हाफ सेंचुरीज मारी। उसके बाद संजू सैमसन, जिनको 2 मैच में मौका मिला, एक में अच्छा नहीं कर पाए, एक में बहुत अच्छी बैटिंग करी, बहुत अच्छे रन मारे। देन कुलदीप यादव वॉज वन ऑफ द फैक्टर्स जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी। हार्दिक पांड्या वॉज ट्राइंग टू गेट बैक इन फॉर्म, ही स्पेंड सम टाइम ऑन द क्रीज, अच्छे शॉट्स भी लगाए आकर, अच्छा फिनिश भी करा। बट द मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन, द मोस्ट इम्प्रेसिव प्लेयर फॉर मी आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट और आउट ऑफ दिस जर्नी टू वेस्ट इंडीज वॉज शार्दुल ठाकुर। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शार्दुल ठाकुर इंडिया के सबसे अच्छे बॉलर क्यों हैं ODI फॉर्मेट में, एंड हम शार्दुल ठाकुर की जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो शार्दुल ठाकुर इंडिया के ODI फॉर्मेट के बेस्ट बॉलर हैं, बिकॉज 2 साल से वो हाईएस्ट विकेट टेकर है फॉर इंडिया। बट इससे पहले हम उनकी इंटरनेशनल करियर के बारे में बात करें, मैं थोड़ी सी आपको उनके बारे में उनकी जर्नी बताना चाहता हूँ। सो उनका जन्म हुआ 1991 में, एक जगह है महाराष्ट्र में पलघर में, जो मुंबई से कुछ 90 किलोमीटर दूर है। अब इस बात को कहने की जरूरत नहीं है कि शार्दुल ठाकुर को बचपन से खेलने का बहुत शौक था, ये तो ऑब्वियस है कि इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने का शौक तो होगा। बट हिज फादर वॉज अ फार्मर इन पालघर, एंड सो ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, अ फार्मिंग बैकग्राउंड। 2012 में उन्होंने अपना रणजी ट्रॉफी का डेब्यू करा, एंड उन्होंने पहला मैच खेला अगेंस्ट राजस्थान, डेब्यू मैच खेला अगेंस्ट राजस्थान। उस साल उनका रणजी ट्रॉफी का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहा, उन्होंने 4 मैच में कुल मिला के 4 विकेट ली एट एन एवरेज ऑफ 82। बट नेक्स्ट सीजन 2013 रणजी ट्रॉफी सीजन में उन्होंने 6 मैच खेले एंड 27 विकेट्स ली। एंड इन द नेक्स्ट सीजन 2014-15 वाले सीजन में ही प्लेड 10 मैचेस एंड टुक 48 विकेट्स। सो आप देखेंगे हर साल उनका परफॉर्मेंस बेटर होता रहा। उसके बाद 2014 में उनको पंजाब किंग्स ने उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा एट अ बेस प्राइस ऑफ 20 लाख रुपीस। उसके बाद 2015 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी सीजन के फाइनल मैच में सौराष्ट्र के अगेंस्ट 8 विकेट लिए एंड मुंबई रणजी ट्रॉफी जीत गया। देन 2016 में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनसे आई थिंक उनको काफी हिट करा होगा, उनको काफी बुरा भी लगा होगा। 2016 में उनको सीजन के बीच में ही पंजाब सुपर किंग्स ने या पंजाब किंग्स ने ड्रॉप कर दिया, मतलब वो पहले स्क्वाड इनिशियली स्क्वाड में थे 2016 में, बट बीच के सीजन में उनको स्क्वाड में भी नहीं रखा गया। अब सीजन के बीच में निकालने के बाद उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, बट उस साल उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। 2016 में उनका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ बट वो खेल नहीं पाए, उनको खेलने का चांस नहीं मिला। उसके बाद 2017 में फाइनली उन्होंने इंडिया के लिए अपना डेब्यू करा अगेंस्ट श्रीलंका ऑन 31st August 2017। इन 2018 में उन्होंने अपना साउथ अफ्रीका अगेंस्ट T20 डेब्यू करा, एंड उसी साल उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा फॉर 2.6 करोड़ रुपीस। अब आप देखेंगे कि 2016 में एक प्लेयर को मिड सीजन निकाल दिया गया था टीम से, एंड 2018 में उनको 2.6 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा गया उनके साथ। एंड ही परफॉर्म फेयरली वेल, जिसमें उन्होंने 16 विकेट लिए 13 मैचेस के अंदर। उसके बाद 2018 में उन्होंने अपना वेस्ट इंडीज अगेंस्ट टेस्ट का डेब्यू करा, जिसमें सिर्फ 10 बॉल डालने के बाद उनको एक इंजरी हो गई, उनको टीम से या मैच को छोड़ के जाना पड़ा। आफ्टर दैट 2018-19 में उनका IPL का सीजन भी अच्छा नहीं रहा था, मतलब IPL भी में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। देन द थिंग्स टर्न अराउंड, देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, जिसमें उनको फर्स्ट 3 मैच में कोई चांस नहीं मिला खेलने का। आई थिंक ही माइट बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट, बट फोर्थ टेस्ट में इन ऑस्ट्रेलिया को खेलने का मौका मिला। एंड जब वो खेलने आए तो इंडिया 186 for 6 था,
एंड वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने 127 रन की बारी खेली जिसमें उन्होंने 66 रन स्कोर करे 66 रन उस बारी में उन्होंने स्कोर करे। 2021 में इंग्लैंड टूर में ही वेंट एज एक्स्ट्रा सीमर एंड ही गॉट इंजर्ड इन द फर्स्ट मैच बट ही केम विद अ बैंग इन द फोर्थ मैच जिनमें उनको दो इनिंग्स में बैटिंग मिली एंड उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 57 रन मारे एंड सेकेंड इनिंग्स में 60 रन मारे इन द सेकेंड इनिंग्स। तो इफ आई सी शार्दुल ठाकुर 2012 से लेकर अभी तक जो कि 10 से 11 साल हो गए हैं जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना डेब्यू करा था, उसके बाद से उन्होंने एज अ बॉलर एंड एज अ बैट्समैन अपने आप को बहुत इंप्रूव करा है स्पेशली व्हेन वी सी इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। उन्होंने अपने आप को एज अ बैट्समैन एंड अ बॉलर दोनों प्रूव करा है एंड राइट नाउ ही इज बीन कंपेयर टू हार्दिक पांडे एज वेल बिकॉज उन्होंने बॉलिंग भी उनकी स्ट्रेंथ है एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ बीन बैटिंग एज वेल। सो आई थिंक ही कैन बी अ परफेक्ट कैंडिडेट अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो शार्दुल ठाकुर कैन बी अ परफेक्ट कैंडिडेट बिकॉज ही गिव्स यू कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग एंड बैटिंग एंड ही इज ऑल्सो गुड इन फील्ड एज वेल एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ही हैज अ मेंटल मैच्योरिटी की प्रेशर सिचुएशन में कैसे डील करना है कैसे हैंडल करना है अपने आप को विच वी हैव सीन इन सम ऑफ हिज इनिंग्स बिफोर एज वेल। सो आई थिंक इन वर्ल्ड कप शार्दुल ठाकुर शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पेसेस फॉर इंडिया। सो अगर आपका कोई और ओपिनियन है तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।